लोक जनशक्ति पार्टी में नया विवाद सामने आ गया है। समस्तीपुर से सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रिंस पर एक लड़की ने यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में प्रिंस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सांसद के खिलाफ नई दिल्ली के कॉनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में लड़की ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंस पासवान ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उसके साथ रेप किया। 15 जून को पीड़िता ने 3 पन्नों में विस्तार से आपबीती बताते हुए दिल्ली पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित लड़की का कहना है कि शादी का ढांचा देकर उसका यौन शोषण किया गया और वीडियो बनाया गया। दिल्ली पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं कर रही है। लड़की ने बताया कि मैं 15 दिन से थाने के चक्कर लगा रही हूँ। कॉनॉट प्लेस में पुलिस के पास FIR दर्ज कराने जाती हूँ तो प्रिंस राज के वर्तमान सांसद होने का हवाला देकर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रिंस राज चिराग पासवान के दिवंगत चाचा रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद खाली हुई समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर प्रिंस राज सांसद बने हैं। हमेशा चिराग पासवान के साथ दिखने वाले प्रिंस फिलहाल उनके विरोध में हैं, जबकि उनको चुनाव में जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान ने ही उनके चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। न्यूज़ डेस्क।